नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, बहुत कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे, लेकिन रह नहीं पाते। और लोग इसकी विधि मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहें। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का नाम ही ध्यान है। हमेशा मेडिटेशन में रहने का मतलब ही यह है कि पल प्रतिपल क्षण हर क्षण वर्तमान में जीना। तो बेसिकली मेडिटेशन क्या है, एक समझ है, गहरी समझ है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप हमेशा मेडिटेशन में रहेंगे। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप हमेशा मेडिटेशन में ही हैं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप हमेशा ध्यान में ही हैं। आप हमेशा वर्तमान में ही हैं। तो आइए हम इसको आज समझेंगे, फिर आपको लगेगा अरे हाँ, हम तो वर्तमान में ही हैं, बात तो बराबर है। क्या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर वो चीज बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। लेकिन होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते, समझने में बस जरा सी गड़बड़ी कर देते, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं ना हम। थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी चल रही दिमाग में, और वीडियो भी देख रहे हैं, और थोड़ी बातें कान में भी पड़ रही, और आधे अधूरे मन से वो चीज सुन ली, और फिर वो पॉइंट नहीं पकड़ पाते जो पकड़ना चाहिए। तो आप क्या करना, इस वीडियो को कई बार देखना। एक बार में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि एक ही बार में समझ लो आप, नहीं समझ में आए तो बार बार देखना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इतनी कीमती बात है, पकड़ लो। तो देखो, हम हमेशा वर्तमान में ही हैं। हम इस बात को समझेंगे, जरा समझ के लेंगे कि कैसे हम वर्तमान में। जब आप समझ लोगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। ये ऐसा ही है कि जैसे आपको पता नहीं था कि आपके घर में करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति रखी हुई है, और आप यहाँ वहां लोगों से उधार मांगते फिर रहे हो, मेहनत मजदूरी करके आप खर्चा चला रहे हो और बड़े परेशान हो। अचानक कोई बता देता कि देखो यहाँ पर एक खजाना छुपा हुआ रखा है, और फिर आप खोलकर देख भी ले तो कह रहे हाँ वाकई में इतने सारे पैसे मौजूद है घर में। तो फिर क्या होगा, घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। तो आइए इस सीक्रेट को डिस्क्लोज करते हैं, जो कि बड़ा आसान है। कोई सीक्रेट विक्रेट जैसी चीज है नहीं, सच बात तो ये, बस समझने का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो देखो, जैसे इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आप कहां पर हो, वर्तमान में ही हो। मैं आपसे बोलूं कि कल में जीकर दिखाओ जो गुजर गया है कल, या 3 दिन पहले जीकर दिखाओ, 10 दिन पहले जाकर जीकर दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप अपने पास्ट में जाकर जी सकते हो? नामुमकिन है, 100% नहीं जी सकते। क्या आप आने वाले कल में जाकर जी सकते हो? नामुमकिन है। क्या 5 साल पहले जो समय आएगा उसमें जाकर जी सकते हो? नहीं। क्या 1 साल बाद जो समय आने वाला है उसमें जाकर जी सकते हो? नहीं। सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हो, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो वो होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अतीत में जा सको या भविष्य में जा सको। इमेजिनरी ये पॉसिबल है, कल्पनाओं में ये संभव है, हकीकत में ये संभव नहीं। आप बोलोगे कैसे कल में जा सकते हैं, कैसे परसों में जा सकते हैं, हम तो आज हैं और अभी हैं। हम कैसे आने वाले कल में जी सकते हैं, कैसे आने वाले 2 साल बाद की घटना में जी सकते हैं, हम तो आज हैं और अभी हैं। और आप बिल्कुल सच बोल रहे हो और बिल्कुल सच समझ भी रहे हो। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि आप प्रेजेंट में ही हो, आप वर्तमान में ऑलरेडी हो ही। आप वर्तमान में हो ये आप समझ कर ले लो, लेकिन मन अतीत में चला जाता है तो मन को जाने दो, मन भविष्य में चला जाता है तो मन को जाने दो, लेट इट बी, इसको जाने दो कि जहां जा रहा है जाने दो। यू शुड बी इन प्रेजेंट मोमेंट, आपको वर्तमान में रहना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप हो ही। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, खुली रखनी है, मन को देखना है और खुद को ये समझाना है कि मैं वर्तमान में हूं। मन 5 साल पहले की घटना को स्मरण कर रहा है, करने दो, लेकिन मैं वर्तमान में हूं। जैसे ही आपको एक ख्याल में आएगा कि मैं वर्तमान में हूं, तुरंत माइंड डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप करके देखना। आप बोलोगे 2 साल बाद दुनिया डूबने वाली है, ऐसी भविष्यवाणियां सुनते ना कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, बर्फ पिघलने वाली, पानी खत्म होने वाला, पेड़ खत्म होने वाले, ऑक्सीजन की खत्म हो जाएगी, बड़ी बुरी बुरी कल्पनाएं करके हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो मन उसमें जा रहा है तो मन को जाने दो,
मेरा मन भविष्य की घटनाओं की कल्पना कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैं यही हूँ, ठीक इसी समय मैं यही मौजूद हूँ, मैं भविष्य में नहीं जा सकता। ये सब मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझ लेना, मैं तो यही हूँ, मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं कहीं रहने का आपके। आप इस बात को समझ लो, आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट ही रहोगे, ये होने वाला है। आप पहले भी प्रेजेंट थे, अभी भी प्रेजेंट हो, और बाद में भी प्रेजेंट रहने वाले हो। प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, और कुछ हो भी नहीं सकता। ऑलरेडी यू आर इन मेडिटेशन, ऑलरेडी यू आर एनलाइटेंड, बट बिकॉज ऑफ अवर माइंड वी आर मिसगाइडेड। ओनली बिकॉज ऑफ अवर माइंड वी आर सफरिंग इन अवर लाइफ। सिर्फ अपने मन की वजह से हम सफर कर रहे हैं और दुखों को उठा रहे हैं। होता क्या है कि मन से चिपक जाते हैं। अब जैसे मन 5 साल पहले की घटना में चला गया, तो जाने दो ना उसको, खुद को याद दिलाओ मैं प्रेजेंट मोमेंट में। मन भविष्य की बुरी बुरी कल्पनाएं कर रहा है, मैं प्रेजेंट मोमेंट में। बस जैसे समझ के साथ खुद को इतना याद दिला दो। ध्यान का मतलब ही क्या है? ध्यान करना, जस्ट टू रिमेंबर हु यू आर, जस्ट टू रिमेंबर वेयर यू आर। सिर्फ इतना याद करना कि तुम कहां हो, सिर्फ इतना याद करना कि तुम कौन हो, बस। और है ही क्या, समझ लेने जैसी बात है। एक बार समझ में आ गई ना, तो हमेशा घटती रहती है। फिर आपको मालूम पड़ेगा मैं तो प्रेजेंट हूं। मन कहीं किसी घटना में उलझाओ तो उलझे रहने तो क्या फर्क पड़ता है? मन भविष्य की कल्पनाएं कर रहा तो कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है? फिर आप बड़े आनंद में रहोगे, फिर आप दुखी कर रहे हो कोई तरीका नहीं, आपको टेंशन में लाने का कोई उपाय नहीं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हो कोई तरीका नहीं। बड़ी से बड़ी घटनाएं आपको हिला नहीं सकेंगी, क्यों? आप अकंप हो गए, आप स्टेबल हो गए। प्रेजेंट मोमेंट हमें क्या देता? स्टेबिलिटी देता है। ज्ञान का प्रकाश अपने आप भीतर प्रकट होने लगता है। किसी से सीखने की, पूछने की, जानने की जरूरत नहीं, समझने की बात। जब समझ में आ जाए तब समझ में आ जाए। आसान, सरल और सहज बातें समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा सरल भी होता है, बशर्ते ध्यान से सुने, चौकन्ने होकर सुने, सहजता से सुने, तो समझ में आ जाती है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगी। मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक दिन आप समझ लोगे व्हाट इज मेडिटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय देकर मुझे सुनते हैं।